नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बैक पेन को कैसे क्योर करें वो एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, सभी उसको फॉलो करें, बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। आजकल जो भी आप MRI करवाते हो, टेस्ट करवाते हो, जाते ही आपको बता दिया जाता है कि आपकी कमर के नीचे नस दब गई है या आपकी डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, पहले ये समझो। जब आप कभी भी अपने रूटीन से बॉडी को, अपनी स्पाइन को बैक साइड नहीं मोड़ते या आगे की बेंडिंग कम हो गई है, हमारे रूटीन के कामकाज ऐसे हो गए हैं कि हम सीधे खड़े होके ही सारा काम करते हैं, तो बॉडी अकड़ गई है आपकी। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरा यही काम है, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो जो ये रिजल्ट मेरे पेशेंट लेके जाते हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं न्यूरोथेरेपी 35% फॉलो करवाती हूँ लोगों से और उनकी एक्सरसाइज का पार्ट ज्यादा डालती हूँ। तो सेल्फ एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, सच बता रही हूँ आपको। देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है, कमर के पीछे ऐसे हाथ लगाएंगे, ये आप देखना ध्यान से, मैंने पैरों में 1 से 1.25 फीट का फासला रखा है और स्पाइन के पीछे सैक्रल और लंबर एरिया में अपनी दोनों हाथों की उंगलियों की सपोर्ट दी है। और अब मैं कैसे जा रही हूँ ये देखिए, इनहेल करते हुए पेल्विक को आगे निकाला और सावधानी से पीछे की तरफ बेंड होना है, जितना आप इजीली जा सकते हो जाइए और फिर यहाँ होल्ड करिए और फिर एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। अब हिप्स को बाहर की तरफ निकाल दिया और स्पाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है और मैं अब 90 डिग्री के एंगल पे आगे की तरफ बेंड हो रही हूँ और ना मैंने अपने घुटने मोड़े हैं, घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स को पुल करना है, ये आपकी कमर को रिलैक्स करेंगे और यहां रोकिए और फिर से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। अब मैं सामने से दिखाऊंगी, पैरों में 1 से 1.25 फीट का फासला ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। इनहेल, बैक बेंड, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड, ये गर्दन सामने, घुटने सीधे, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 बार करिए, 10 बार करिए और उसके बाद फिर क्या करना है वो देखिए। कपड़े की तरह आपकी कमर खींचेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जैसे बताया है वैसे फॉलो करना। मैंने अपने दोनों हाथ यहां रखे हैं सपोर्ट के लिए ताकि आपकी डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इन हाथों को रखोगे यूं तो ये चीज खुल जाएगी, समझे? तो ये हाथ ऐसे रखने हैं। उसके बाद क्या करना है, इनहेल करते हुए हैंड्स अप और फिर एक्सहेल, जितना जाया जाता है उतना जाइए। अब आप स्टार्टिंग करोगे तो एकदम से तो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं मुड़ सकते, तो आप धीरे 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 अपने अभ्यास को बढ़ाइए और धीरे 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 करके पूरा नीचे झुकते जाइए। ये कपड़े की तरह कमर खींचेगी, फिर आपको करना क्या है, घुटने सीधे और झूला झूलना है ऐसे, ये झूला झूलिए यहां और फिर धीरे धीरे करके, और ऐसे जब आप झुकोगे तो सर्कुलेशन आपके दिमाग की तरफ चल रहा है सारा, तो इस जब आपके ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन चल रहा है तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और बाल भी नहीं जड़ेंगे आपके और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और फिर धीरे धीरे करके पहले सामने देखिए और फिर धीरे धीरे करके वापस। ये अब उसके बाद लेटने वाली एक्सरसाइज बताती हूँ, ये तो है खड़े होके करने वाली। लेटते टाइम भी बैठना कैसे है बैक पेन वाले को, पहले हम हाथ नीचे रखेंगे, दोनों पैर साइड में निकालेंगे और हिप्स डाउन, इजीली बैठेंगे। उठना भी ऐसे ही है, घुटने के दर्द वाले को, कमर के दर्द वाले को, हाथ दोनों साइड में, दोनों पैर साइड में और थोड़ा हाथ के ऊपर वेट और थोड़ा पैर के ऊपर और यूं करके ये उठना है। तो हम अब लेटने वाली करेंगे, ये और ये। इसके बाद हमें लेटना है, मरकटासन सभी करते हैं, अब वो देखना मैं बता रही हूं, जैसे वैसे फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पैर दोनों मिले हुए, हाथ आपके या तो साइड में रखो या सिर के नीचे रखो या यूं रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन है आपका ये कंधा ना उठे, दोनों तरफ के कंधे नीचे टिके रहने चाहिए। अब लंबा सांस लेंगे
गर्दन इसकी राइट साइड में तो पैर लेफ्ट साइड में, और दोनों पैरों के ऊपर पैर रखे हुए और जितना मोड़ सकते हो इतना मोड़ो, लेकिन कंधा नहीं उठना चाहिए। ये पैर के ऊपर पैर है, घुटने के ऊपर घुटना है, और नॉर्मल ब्रीदिंग करके यहां लेटे रहो बस, और फिर धीरे धीरे वापिस आओ। जल्दी नहीं करनी, कहीं करते हैं मरकटासन यू, और ये कंधा ही उठा हुआ है, या फिर यू कर लिया ये कंधा ही उठ गया, इसका कोई फायदा नहीं। जल्दी नहीं करनी, कम से कम भी एक मिनट तो जरूर होल्ड करना है। पूरा खींचने दो बैक को, मसल्स को खींचने देना है। फिर हम दोनों पैरों में ऐसे डिस्टेंस रखेंगे, जितनी चौड़ाई हमारे हिप्स की है इतना गैप रखेंगे। अब सेम वैसे ही लंबा सांस लिया, गर्दन राइट साइड, पैर लेफ्ट साइड, ये यहां रोक लो अपने आप को। ढीला शरीर बिल्कुल ढीला, टाइट नहीं करना। सांस छोड़ के दोबारा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक मिनट कम से कम होल्ड करिए। और फिर उसके बाद सेम दूसरी तरफ जाना है, ये ऐसे ही जाना है आपको दूसरी तरफ भी। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों पैर यहां रखेंगे अंदर की तरफ और हाथ साइड में। लंबा सांस लिया, रोका और अपने पेट को ऊपर उठा दिया ऐसे, और इतना उठा दो कि आपकी चिन जो है वो चेस्ट से टच हो जाए। यहां उठाने के बाद अब धीरे 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 करके अपनी एड़ियां उठा दो और आराम से लेटे रहो ऐसे, जितनी देर रोक सकते हो रोको, और फिर धीरे धीरे करके पहले एड़ी रखो नीचे और फिर सांस खाली करते हुए अपनी कमर को रखिए। ये अभ्यास भी आप 5 से 6 बार करिए, और उसके बाद 5 से 6 बार करने के बाद जहां दर्द है उस दर्द वाली जगह पे अपने हाथ ऐसे, और इस हाथ के ऊपर ये हाथ ऐसे रखना है ये, और फिर दोनों पैरों को सीधा करके ढीला शरीर छोड़ते हुए लेट जाओ। जितनी देर लेट सकते हो लेटो, जितना आपके पास टाइम है, और फिर धीरे से दोनों पैर ऐसे फोल्ड किए और थोड़ी कमर उठाई, दोनों हाथ निकाल दिए, और फिर करवट लेके बाई साइड की और ऐसे करके उठ जाओ। सिर्फ ये एक्सरसाइज फॉलो करो, 100% आपको रिलीफ मिलेगा 15 दिन के अंदर अंदर। खट्टी और ठंडी चीज नहीं खानी, बस। धन्यवाद दोस्तों।